गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष शाहपुर स्वार्ट सर्विलांस प्रभारी क्राइम ब्रांच द्वारा दोहरे हत्याकांड का अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में आ गया। पकड़ा गया अभियुक्त नवनीत मिश्रा शाहपुर थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड में शामिल था और उसके ऊपर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि जनवरी महीने में शाहपुर थाना क्षेत्र में रानू और रमेश यादव की दोहरे हत्याकांड हुआ था, जिसमें 4 अभियुक्त को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा की भी धर्मशाला के पास से गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा और CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, बाकी 3 गिरफ्तारी हुई। ये विगत महीने 23-24 की रात में जनवरी में शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दोहरा हत्याकांड हुआ था रानू और रमेश यादव की। उसमें फिलहाल 4 अभियुक्त पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। आज ये नवनीत मिश्रा भी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। नवनीत मिश्रा और लक्की मिश्रा ये 25,000 के नामिया भी रहे हैं और ये धर्मशाला के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है। यही आज की बड़ी खबर है। ये बरामदगी अभी कुछ नहीं है, कहानी तो अभी तक मतलब वही निकली है, अभी कोई नया एंगल मतलब ये भी नहीं दे पा रहे। यही बता रहे हैं कि आपसी विवाद था, आपसी ये रंजिश और खींचातनी थी, दोनों को लेके कई बार ही मारपीट हो चुका था आपस में, उसी को लेके उस दिन वहाँ ठीक विवाद बढ़ा था और उसी में फायरिंग हुई थी। इसमें मनीष शेष बचा है जो वेचना में हम लोग के हिसाब से अभी तक दोषी है। संदीप और मंटू दो जो 25,000 के इनामी थे, उन दोनों ने कल पुलिस के दबाव में सरेंडर कर दिया है। और अभी और भी अभियुक्त हैं जो कि 120B के मुलजिम हैं और डायरेक्ट भी मुलजिम है, लेकिन अभी ये विवेचना और जांच के क्रम में, अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है।